हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम एक बार ब्रीफ जो नज़र डालें, जो ब्रीफ व्यू करते हैं कि हमें इस जो चैप्टर है आपका जो रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी हैं। तो बेसिकली बेटा हम यहाँ पर स्टडी करने की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो रूरल लाइफ एंड सोसाइटी में हम स्टडी की बात करते हैं तो जो रेवेन्यू जो सिस्टम था इंडिया में, हम उसकी बात करते हैं तो जो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि जो बिफोर द ब्रिटिश आने से पहले यहाँ पर कौन सा सिस्टम था। तो यहाँ पर हम शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन मुगल्स जो मनसाबदारी जो सिस्टम्स है जो मुगल्स के द्वारा, मींस ये जो सेम जो पीरियड था आपका जो मुगल पीरियड्स में, जो आपके जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिस्टम हुआ और आपके जो मुगल्स के द्वारा जो मनसाबदारी जो सिस्टम जो इस्टेब्लिश किए गए, उससे रिलेटेड पॉइंट। देन हम देखेंगे कि जो अंडर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश यहाँ पर आया और उनके द्वारा जब यहाँ पर एम्पायर स्टार्ट किया गया, यहाँ पर उनका शासन हुआ, गवर्नमेंट सिस्टम रन हुआ, तब उनके द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन जो सेकंड हम देखेंगे द रोतवाड़ी जो सिस्टम था, वो राइटवाड़ी जो सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो है आपका महलवाड़ी सिस्टम। तो ये जो थ्री जो सिस्टम से जो रेवेन्यू जो सिस्टम अंडर ब्रिटिश के थे, और इन तीनों का जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ। ये जो तीनों का जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम ऑन द कल्टीवेटर्स, यानी हमारे जो कल्टीवेटर्स थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान थे, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो एक जो इम्पैक्ट है वो इम्पोर्चमेंट की हम बात करते हैं, मीन्स उसमें दरिद्रता आ गई, जो गरीबी आ गई, कल्टीवेटर जो है गरीब होने लगे। फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग, जो लैंड जो होल्डिंग था, जो जमीन थे, वो धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा। कमर्शियलाइजेशंस होने लगा ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन हो गया। देन नेक्स्ट आता है कि नेग्लेक्टेड ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड जो रिफॉर्म्स है उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, कोई जो लैंड से रिलेटेड कोई सुधार जो है नहीं किए गए। देन जो राइज ऑफ अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मिस अब्सेंटी जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बाहर से जो टाउन से जो लैंडलॉर्ड हुआ करते, जमीन के मालिक हुआ करते थे, तो फार्मर्स है उसमें मेहनत करते थे। देन पीसेंट जो रिवॉल्ट हुआ, यानी जो आपका फॉर्मर्स है उनका प्रोटेस्ट हुआ, उनका विद्रोह हुआ। सो ये सो सभी जो पॉइंट्स हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, और स्टडी करेंगे तो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप जो है जो रेवेन्यू जो सिस्टम्स है जो मुगल्स और शेरशाह सूरी को, उसको आप रिकॉल एक बार हम देखेंगे और उसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जो ब्रिटिश जो सिस्टम में कैसा जो रेवेन्यू जो सिस्टम था और इनका क्या इम्पैक्ट है, तो ये सभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करें बेटा, तो आपको मिलता है कि इन द गोल्डन ओल्डन डेज की बात किया जाए यहाँ पर इंडिया में। सो क्या होता है कि जो लैंड है बेसिकली वो लोगों का लाइफ था, फार्मर जो है उसी जो पीस ऑफ लैंड है उस पर कल्टीवेशंस करते थे, जनरेशंस ऑफ वो जो है कंटिन्यू जो है क्या करते आ रहे थे, उनके जो फैमिलीज है उसी जो पीस ऑफ लैंड है, जमीन का एक टुकड़ा है, उस पर वो खेती बाड़ी करते थे। बट यहाँ पर वो इस जो एरिया है उसका जो टैक्स है वो किस रूप में देते थे, प्रोड्यूस जो भी प्रोड्यूस करते थे उस एरिया से, जो भी मटेरियल्स वो लेते थे उनको वो टैक्स के रूप में फार्मर्स को, मनी लैंडर्स है जो जमीन के उस समय जो किंग होते थे, राजा है, उनको वो प्रोवाइड कर देते थे। बट जो ड्यूरिंग जो रूल आया शेरशाह सूरी का, तो लैंड है उसको मेजर किया गया, और जो पट्टास, पट्टास मीन्स होता है रिटर्न जो रिकॉर्ड्स होते हैं लैंड का, लैंड ओनरशिप का, तो पट्टास है वो दिया गया। देन ये जो रेवेन्यू है वो चार्ज होने लगा। अब फर्टिलिटी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उनके अकॉर्डिंग टू जो लैंड है उसको जो उसका जो रेवेन्यू है उसको डिवाइड किया जाने लगा। साथ ही साथ हमने जो आपके जो क्लास 7 का जो मुगल पीरियड है वहाँ पर आपने मनसाबदारी जो सिस्टम है वो स्टडी किया था। सो ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो शेरशाह का सूरी का जो सिस्टम था, आपके जो मुगल्स हैं उनका जो सिस्टम, और वहाँ पर होता था कि ड्रॉप आ जाता था तो, या फिर फेमिनाज है, कोई फसल नष्ट हो गया, महामारी फैल गई, तो उस टाइम पीरियड्स में क्या होता था कि जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाता था। अब बट एक जो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया किनके द्वारा, सो ये जो लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज आई ब्रिटिश के अंडर में, तो बहुत सारी ऐसी जो चेंजेस होने लगी जिससे यहाँ के जो फार्मर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो फेस करने
पड़े। फर्स्ट जो क्या हुआ कि जो एवरीथिंग है वो चेंज हो गया, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंस्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस द कंपनी डिमांड अ फिक्स अमाउंट इन कैश। अब जो फार्मर्स को सीधा सीधा फिक्स जो अमाउंट्स है उस पर उनको पेड करना था। पहले जो फार्मर्स है जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे उसका जो कूट जो पार्ट्स है वो राजा को महाराजा है वहाँ के जो किंग होते थे उनको वो क्या कर देते थे, दे देते थे। बट अब यहाँ पर क्या हो गया कि उनको कैश में देना पड़ता था। फार्मर्स को टू पे द अमाउंट फार्मर्स हैड टू कल्टिवेटेड कैश क्रॉप्स। उनको अब कैश क्रॉप्स है वो कल्टिवेशन करना पड़ा फूड क्रॉप्स की जगह पर। अब उनको जो आपके जो कैश जो क्रॉप्स है जिसमें आपके कौन से आपके कॉटन आते हैं, आपके पॉपी आते हैं, आपके इंडिगोज है, ये सीधा सीधा इनको बेच कर ये जो है सेल करके उनकी जगह पर उनको कैश मिलता था और वो जो है ब्रिटिश को पे करते थे। मीन्स कंपनी, कंपनी कौन थे तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम्स है गवर्नमेंट है वो रन कर रहे थे। सो अब यहाँ पर हुआ कि जो ये जो फूड्स है वो पहले ग्रो करते थे, सेल्फ सफिशिएंट होता था। बट अब उनके जो जहाँ पर वो फूड जो फूडर जो क्रॉप्स है वो ग्रो करते थे, अब उसके जगह पर उनको कैश क्रॉप ग्रो करना पड़ रहा था। तो उनके पास जो फूड जो आइटम्स है फूड जो मटेरियल्स है उनकी भी कमी उनके पास होने लगी। अब उनको क्या करना पड़ता था टू बाय पार्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। जो कुछ जो पार्ट्स के जो रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें, जैसे वो अब सिर्फ अपने फील्ड एरिया पर आधे में तो वो कॉटन ग्रो कर रहे हैं बट जो लेफ्ट जो फील्ड बचा वहाँ पर बस राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। राइस अब उनको वीट चाहिए तो उनके लिए क्या जाएंगे, वो मार्केट में जाएंगे और मार्केट से वो वीट है उसको वो क्या करके लाएंगे, बाय करके खरीद के लाएंगे। सो ये जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब जो इंडियन जो विलेजर्स थे पहले जो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे अब वो नो लॉन्गर टू सेल्फ सफिशिएंट। मीन्स अब उनके पास अपने खुद की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए भी जो फूड आइटम्स है जो ग्रीन्स है वो उनके पास नहीं था क्योंकि वो प्रोडक्शंस नहीं करते थे। देन अब यहाँ पर आता है कि इन एफोर्ट टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस द ब्रिटिश इंस्टीट्यूटेड थ्री फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस इन इंडिया। डिफरेंट टाइप के जो थ्री जो सिस्टम, जैसे आपने पहले हमने ब्रीफ में स्टडी किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाले जो रीजन्स है वहाँ पर राइट वारी जो सिस्टम था आपका और आपका माल वारी जो सिस्टम, ये जो थ्री जो डिफरेंट जो सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए। और वेन हॉस्टिंग है उसने क्या कर दिया, ऑक्शंस द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हाइएस्ट बिडर, दिस न्यू रेवेन्यू कलेक्टर वॉज कॉल्ड जमींदार। तो इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज पॉइंट है ये और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हु इज अ जमींदार, वो जमींदार कैसे कौन थे और कहाँ कैसे आए। तो जो हाइएस्ट जो बीडर होते थे यानी कोई भी जो पीस ऑफ लैंड है उसको वो ऑक्शन किया जाता था, उसको नीलामी किया जाता था और जो हाइएस्ट जो बीडर से जो ज़्यादा पैसा देता था कि हम इतने में इस ज़मीन को अपने पास रखते हैं, हम इसका अधिकार लेते हैं, यहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उसके जगह पर रेवेन्यू जो जमींदार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को वो रेवेन्यू डायरेक्टली एक बार में ही पे कर देते थे। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि जो ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की बात की तो उसमें क्या था। सो परमानेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बंगाल की बात करते थे, इन 1793 कॉर्नवेल्स इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो जो आपका जो परमानेंट सेटल बंगाल वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो 1793 को, और किसने, तो कॉर्नवेल्स ने उसको इंट्रोड्यूस किया। द जमींदार हु वेयर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स अमाउंट इन कैश। अब जो जमींदार होता था उनको फिक्स अमाउंट में जो कैश है वो कंपनी को फिक्स डेट में पे करना पड़ता था। मींस जो खजाना था जहां पर जो ट्रेजरी थी जो जमा करना होता था ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना होता था। सो उनको फिक्स जो अमाउंट, जितना अमाउंट है इन केस किसी पर्टिकुलर एरियाज में उसको 100 रुपीस पे करना है तो उनको 100 रुपीस पे करना पड़ता था और फिक्स डेट में। मींस आपको फर्स्ट डेट है आपका, तो मंथ का जो फर्स्ट डेट है तो उसमें पे करना है। मीन्स आपको जमींदार को पे करना होता था भले ही वो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे कुड कलेक्ट, वो
वो फार्मर से कितना कलेक्ट करते हैं, उनको कितना मिलता है, वो कब कलेक्ट करते हैं, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं होता था। वो उनको फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट में उनको क्या चाहिए, उनका जो टैक्स है वो पे हो जाना चाहिए। सो अब जो स्लोली जो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो जमींदार ब्रॉट मोर एरिया अंडर कल्टिवेशंस, अब जो जमींदार है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहे, देन वो अब सोचने लगे कि हम ब्रिटिश को तो पे कर दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू टैक्स जो है कलेक्ट करते हैं, हमें तो एक फिक्स अमाउंट है उनको कंपनी को पे करना है, बट वो ज़्यादा भी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा टैक्स जो है फार्मर से लेने लगे। सो ये जो जमींदार है वो ज़्यादा बेनिफिट होते थे कंपनी या फिर जो पेशेंट से यानी किसानों से या फिर कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ जमींदार को इंट्रोड्यूस करने से जितना जमींदार को फायदा होने लगा। अब जो नेक्स्ट जो आता है बेटा कि एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश, ये जो आपका जो सिस्टम था जमींदार वाला तो उसका जो एडवांटेज क्या हुआ या फिर जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की हम बात करें तो उसका मेन जो एडवांटेज है ब्रिटिश को क्या मिला। सो द जमींदार टर्न आउट टू बी फॉर्म सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश। अब क्या होने लगे कि जमींदार है वो क्या होने लगे, फॉर्म सपोर्टर्स होने लगे, मींस कोई भी जो जमीन का जो मालिक है वो अपने आप को जमींदार समझने लगे, मींस अब जो रेवेन्यू जो सीधा कलेक्ट करके वो जमींदार है वो ब्रिटिश को पे कर देते थे। फिक्स बाय फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंश्योर दैट इट रिसीव द सेम फिक्स अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट। फिक्स जो अमाउंट भी फिक्स था और आपका डेट भी फिक्स था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको एक जो फिक्स अमाउंट में जो फिक्स जो डेट में फिक्स जो अमाउंट है उसको इजिली मिल जाता, तो उनको पर्टिकुलर एक एक जो फार्मर के पास से जाकर उनको टैक्स लेने वसूलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई एक जो जमींदार आते थे और उनको जितना अमाउंट पे करना है उतना पे कर पाते थे। सो इट वॉज इजर टू डील विद अ फ्यू जमींदार देन विद हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ब्रिटिश के लिए जो आपका जो नया जो सिस्टम था रेवेन्यू का वो होने लगा। अब डिसएडवांटेज फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए क्या डिसएडवांटेज, सब बेसिकली सबसे ज़्यादा लॉस में तो फार्मर्स हुए से, द जमींदार इल ट्रीटेड द फार्मर्स टू एक्सट्रैक्ट द रेवेन्यू। फार्मर्स क्या करने लगे कि जो इल ट्रीटेड, अब जबरदस्ती जो है बेसिकली क्या होने लगे कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करने लगा, जैसे आप बहुत सारे जो सीरियल्स में या फिर आपको मूवीज में सोशल मीडियाज में देखने को मिलता है, कार्टून्स में आप देखते हैं कि कैसे जो है जमींदार जो है फार्मर्स के पर ट्रीट करते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। सो स्मॉल जो फार्मर आपके जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे कि आइदर सेल और मॉर्टगेज देयर लैंड टू पे द रेवेन्यू बिकम लैंडलेस लेबरर्स, यानी वो अपनी जमीन को किसी जो साहूकार है या फिर मनी लैंडर के पास ही ले जाकर गिरवी रख देते थे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता था कि वो जो है अपना लोन जो है वो पे कर पाए। इसलिए वो क्या करते थे, अपने जो लैंड है अपने जो जमीन है उसको बेच देते थे, सेल कर देते थे, या फिर वो गिरवी रखकर यानी आओ पैसे के एवज में उस जमीन को उनके पास रख देते थे। जब पे नहीं कर पाते थे तो वही जो जमींदार है या फिर जो मनी लैंडर्स होते थे, जो साहूकार होते थे, उनके जो लैंड एरिया है उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते थे। देन जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो मैनी जो लैंड्स जो ओनर्स थे जो वो क्या किए, सो वे आर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड बाय द ब्रिटिश बिकॉज दे डिड नॉट हैव पट्टास टू प्रूव दैट दे ओन द लैंड। बेसिकली अब जो हमने पहले देखा था कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड का जो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, क्यों, क्योंकि जो उनके जो फैमिलीज है वो बहुत पहले से कंटिन्यू जो लैंड एरियाज है वहाँ पर वो क्या करते आ रहे थे, खेती का काम है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो करते आ रहे थे, तो उनको लैंड रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ब्रिटिश जो है क्या किए कि उस जमीन को अपने अंडर कंट्रोल में लिए कि आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि ये जमीन आपके जो लैंड है वो आपसे बिलोंग करता है, तो ये आपका नहीं है, तो ये सिर्फ किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि टू मीट इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज द टैक्स इन द अदर प्रोविंसेस, मीन्स जैसे जैसे जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा था, तो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने भी क्या करने लगा कि जो टैक्स है उनको इंक्रीज कर दिया,
कि जो उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो खर्चों के लिए इनकम कहाँ से होगा, तो टैक्स से होगा, है ना। सो वो जो है डिफरेंट जो प्रोविंसेस, अलग अलग जो प्रोविंस थे, बंगाल जो प्रोविंस आपके, अब मद्रास जो प्रोविंसेस था, तो ये जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर उसने अपना जो टैक्स है उनको इंक्रीज करने लगा ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाए। सो ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, इट वाज फाइनली एबोलिश्ड इन 1955। मीन्स ये जो आपको जो डिफरेंट जो एरियाज आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका बंगाल एरिया है, आपका बिहार का है, उड़ीसा है, कोस्टल आंध्र प्रदेश का एरिया है, सो इन सभी जगह पर ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो का जो बंगाल वाले जो रीजन था, आपके बिहार, उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में ये जो रेवेन्यू सिस्टम है यहाँ भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। फिर बाद में इनको 1955 में एबोलिश यानी जो सिस्टम्स है उसको ख़त्म कर दिया गया। देन ये खत्म कब हुआ, ये आप डेट याद रखिए 1955, जब क्या हो गया था, हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1947 को हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। सो उसके बाद भी ये कंटिन्यू बना हुआ था, है ना, आपका जो परमानेंट जो सेटलमेंट आपका जो सिस्टम था वो 1955 को आफ्टर इंडिपेंडेंट ये जो है क्या होता है, एबॉलिश होता है। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा रोटवारी सिस्टम। हम रोटवारी सिस्टम्स की बात करते हैं। सो रोटवारी सिस्टम में क्या होता है, सो रोटवारी सिस्टम्स की हम बात करें तो ये जो सिस्टम ऐसा था जहां पर हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन कॉल्ड रोटवारी, जो रोटवारी जो सिस्टम्स की हम बात करते हैं। सो यहां पर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बिटवीन 1792 एंड 1827। जनरली ये जो आपका रोटवारी जो सिस्टम्स है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये मद्रास और जो बॉम्बे वाले जो प्रेसिडेंसीज है वहाँ पर 1792 से लेकर 1827 के बीच अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड्स में ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रोटवारी जो सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सो द मिडिल मैन और जमींदार वेयर रिमूव्ड। मीन्स ये जो रोटवारी जो सिस्टम था यहाँ पर क्या हुआ कि जो जमींदार या फिर मिडिल मैन होते थे उनको हटा दिया गया और द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली बिटवीन द कंपनी एंड द रॉयट और द कल्टीवेटर्स। मीन्स जो जमीन के जो मालिक होते थे, जो कल्टीवेटर जो फार्मर जो खेती कर रहे थे, वो डायरेक्टली जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जो गवर्नमेंट रन कर रहे थे उनको डायरेक्टली वो पे करते थे। और वो कितना पे करते थे, तो हु पेड द गवर्नमेंट अबाउट हाफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। मीन्स जो क्रॉप्स आता होता था तो उसका जो आधा है, हाफ जो पार्ट है वो कंपनी को वो पे करते थे। देन जो रेवेन्यू अमाउंट्स है वो जनरली क्या होते थे, रिवाइज किए जाते थे आफ्टर जो 20-30 ईयर्स में। उसको डिपेंड करता था कि जो फर्टिलिटी कितना है, सॉइल का कितना प्रोडक्शन होता है, उनके अकॉर्डिंग टू 20-30 ईयर्स के बीच में जो रेवेन्यू का अमाउंट्स है उसको रिवाइज किया जाता था। मीन्स जिस एरिया पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और जिस एरिया पर कम प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर कम रेवेन्यू लिया जाएगा। सो ये जो आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम मोर फर्टाइल एरियाज वाज रिवाइज मोर फ्रिक्वेंटली। मीन्स जिस एरिया पर ज़्यादा फर्टिलिटी होती थी तो वहाँ पर ज़्यादा आपका 20-30 ईयर्स में ना करके उससे पहले भी जो इसको रिवाइज कर दिया जाता था कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ब्रिटिश समझते थे कि हमको ज़्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए। सो अब यहाँ पर आता है कि जो दिस सिस्टम्स गेव मोर सिक्योरिटी टू द राइट्स। मीन्स जो कल्टिवेटर्स थे हमारे, जो जमीन के जो मालिक थे जो खेती करे, तो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलता था, क्योंकि जमींदार हमने देखा था कि पहले, इससे पहले कि जो ज़बरदस्ती जो है उनको रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे। सो बट बिकॉज ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शंस, फार्मर्स हैड टू टर्न टू मनी लैंडर ड्यूरिंग ईयर व्हेन क्रॉप्स फेल्ड। मीन्स कंपनी को तो इनको पे ही करना होता था, तो ये क्या होता था कि कई ऐसे समय आता, सिचुएशन होता था जब जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाते थे, चाहे वो ड्रॉप के कारण से या फिर फेमिनास के कारण से, तो उस समय उनको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था और वहाँ से वो मनी लेकर कंपनी को पे करते थे।
ये जो सिस्टम था आपका रॉयटवारी सिस्टम, मीन्स यहाँ पर जो आपका किन को मनी लैंडर को हटाकर जो कल्टीवेटर्स थे या फिर रॉयट थे, जो जमीन के मालिक हुआ करते थे, जो फार्मिंग करते थे, उनको डायरेक्टली जो पे करना होता था। देन नेक्स्ट जो थर्ड जो सिस्टम है जहां पर हम बात करें आपका महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है? सो द महलवारी सिस्टम एग्जिस्टेड इन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पार्ट ऑफ पंजाब। ये जो डिफरेंट एरियाज थे वहां पर महलवारी सिस्टम रन कर रहा था। इन दिस सिस्टम द सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन लैंडलॉर्ड्स और हेड ऑफ फैमिलीज क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द इंटायर विलेज कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल नाम एज अ महल। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो ये अब यहां पर महलवारी सिस्टम में क्या था कि जो कोई भी जो फैमिली का हेड हो सकता है वो पे कर सकता है, या फिर उनका जो कोई मुखिया था, वो जो सोसाइटी का, समाज का कोई मुखिया था, या फिर कोई जो पर्टिकुलर विलेज से कोई जो लीडर्स हुआ करते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो है कंपनी को क्या करेंगे, टैक्स है, रेवेन्यू है, वो पे करेंगे। वो जो पर्टिकुलर वो जो गवर्नमेंट है, कंपनी है, वो पर्टिकुलर किसी फार्मर्स के पास जाकर, एक एक जो फार्मर्स है उनके पास जाकर वो रेवेन्यू जो है कलेक्ट नहीं करेगा। उनके पास एक जो सिस्टम था कि कोई भी जो महल थे, महल मीन्स कोई मुखिया हुआ करेगा, वो जो है कंपनी को आकर, गवर्नमेंट को आकर टैक्स पे कर देंगे जो इतना अमाउंट है। सो द लैंडलॉर्ड्स आर हेड ऑफ फैमिली वेयर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द कंपनी। मीन्स मैंने बताया कि जो ज्वाइंट फैमिली को जो मुखिया है, सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो है क्या करेंगे, पे करेंगे। सो हियर टू द रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर पीरियड ऑफ 20 to 30 years। जनरली यहां पर भी क्या था कि जो ये जो रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो 20 to 30 years के लिए फिक्स होता था और इसके बाद इसको रिवाइज किया जाता था, दिया हुआ इंडिया का। सो उसमें जो डिफरेंट जो एरियाज हैं, लैंड जो टेनर्स है, जो सिस्टम थे, अलग अलग एरियाज था तो अलग अलग दिखाया गया है। जैसे आपको जो कलर वाइज आपका परमानेंट सेटलमेंट एरियाज, तो ये आपका जो एरिया आपको शो हो रहा है, ये आपका परमानेंट सेटलमेंट वाले एरियाज है, यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं। ये कुछ जो स्मॉल एरियाज है, तो यहाँ पर इन जो सभी जगह पर आपका परमानेंट सेटलमेंट था। रॉयटवारी सिस्टम्स की बात करें, सो ये आपका जो एरिया जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रॉयटवारी जो सिस्टम, रॉयटवारी जो सिस्टम था, जहाँ पर जमीन के जो मालिक होते थे वो रिस्पॉन्सिबल था कि उनको पे करना है। देन आपको जो नेक्स्ट जो महलवारी जो या फिर जमींदारी जो सिस्टम्स की हम बात करते हैं, तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी एरियाज आपको किस में मिलता है, आपका महलवारी सिस्टम। आपके कलर के अकॉर्डिंग टू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सभी एरिया आपको किस में, ये आपका रॉयटवारी जो सिस्टम्स है। सो ये आपके जो डिफरेंट जो सिस्टम थे जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, और अलग अलग एरिया पर अलग अलग सिस्टम जो है रन कर रहा था। अब यहाँ पर जो जमींदार, जैसे ये उस समय के कोई जमींदार हुआ करते, तो इसका इमेज दिखाया गया है कि जमींदार इस टाइप के हुआ करते थे। देन हम जो इम्पैक्ट की बात करें, हमने जो इम्पैक्ट ब्रीफ में देखा था कि जो न्यू जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द लैंड ओनरशिप इन इंडिया, पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। जो इनका इम्पैक्ट है, हमने देखा था कि जो इम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ऑफ कल्टीवेटर्स, मीन्स हमारे जो कल्टीवेटर्स थे उनमें क्या आ गई थी, गरीबी आ गई थी। सो रेवेन्यू चार्ज वाज सो हाई इट लेड टू द इम्पावरमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स, दे वेयर ड्रिवन इनटू डेब्ट एट द हैंड ऑफ द मनी लैंडर और बिकेम लैंडलेस लेबर्स। मीन्स जनरली क्या हुआ कि जो उनको पे करना ही होता था, बट कभी कभी क्या होता था कि जो फसल जो है नष्ट हो गया, खराब हो गया ड्रॉप के कारण से, सो उस समय उनको पे ही करना पड़ता था। तो जनरली वो मनी लैंडर्स के पास जाते थे, वहां से लोन लेते थे, तो अब उनको पे कर पाते थे। फिर वो जो जमीन है वो फाइनली उनके पास प्रोडक्शन इतना ही नहीं हो पाता था कि जो मनी लैंडर्स के द्वारा जो जितना लोन लिया जाता था, इंटरेस्ट लिया जाता था, उनको वो पे कर पाए, तो वो अपने जो लैंड है उसको उन्हीं के पास बेच देते थे और लैंडलेस लेबर्स वो अपने ही जमीन पर बन जाते थे। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मीन्स क्या होने लगा कि जो जमीन है वो टुकड़ों में बंटने लगा। किसी के पास इतना लैंड एरिया है, अब वो जो पे नहीं कर पा रहा है, उसको कंपनी को पे करना है, तो वो जो इतना जो जमीन है वो किन को, वो मनी लैंडर को क्या कर देते हैं,
सेल कर देते हैं, इतना जो जमीन है वो टुकड़े में बट गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उसका फसल खराब हो गया, तो इतना लैंड वो फिर से क्या कर दिया, मनी लेंडर के पास उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ये जो जमीन फिर से प्रेग्नेंटेड हो गया, ये जो फिर से टुकड़ों में बट गया, फिर नेक्स्ट ईयर देखा जाए तो इतना जमीन है उसने फिर से सेल कर दिया। सो इस तरीके से क्या होता था कि जो कंटिन्यू जो लैंड है वो क्या होते जाता था, टुकड़ों में बढ़ते जा रहा था। सो एज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स फाउंड देमसेल्फ अनेबल टू पे द रेवेन्यू दे ऑक्शंस और द सोल्ड ऑफ देयर लैंड पार्ट बाय पार्ट। सो ये जो फ्रेगमेंटेशंस एंड लैंड सब डिविजन ऑफ लैंड मीन्स लैंड जो है ये क्या होते जा रहा है, टुकड़ों में डिवाइडेड होते जा रहा था। सो स्मॉल जो लैंड्स होते थे, लैंड होल्डिंग नॉट इकोनॉमिकली टू कल्टिवेट्स मीन्स वो जो आर्थिक रूप से उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि राइज ऑफ अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, राइज ऑफ अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि जो जमीन के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या फिर हम जमींदार जिसको कहते थे वो कोई बाहर के जो सिटीज है टाउन्स के हुआ करते थे। सो द लैंड ऑफ फार्मर्स और इवन ऑफ जमींदार हु वेयर अनेबल टू पे द हाइएस्ट टैक्स वॉस ऑक्शन ऑफ टू द हाइएस्ट बीडर, द पीपल हु ब्रॉट दिस लैंड वेयर ऑफ्टन रिच ट्रेडर फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो लैंड का जो ऑक्शन किया जाता था जनरली या तो फार्मर्स या फिर जो जमींदार होते थे वो अगर उतना अमाउंट जितना फिक्स किया गया है उतना वो ऑक्शंस में नहीं बोल पाते थे तो जो बोलने वाले होते थे जो रिच जो ट्रेडर्स होते थे यानी शहर के जो व्यापारी होते थे जो क्या करते थे उसकी बोली लगाते थे। जैसे अभी नया जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग जो कानून आया है लॉज आया है उसमें कई जो लोग जो है इसी के ऑब्जेक्शंस में हैं, जो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ऑक्शन अभी भी लैंड का जो सिस्टम जो चलेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होगा तो यही जो एक जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करने के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि जो कोई भी जो रिच जो ट्रेडर्स हैं वो आपकी जो जमीन है जो फैक्ट्री मालिक है वो आपको आपकी जमीन को लीज पर लेगा, आप उनके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शंस करेंगे देन उसको आप सेल कर देंगे उनके फिक्स जो अमाउंट्स है उस पर। सो जो फार्म जो लैंड है वो आप कहीं ना कहीं जो फार्मर से या फिर जमींदार से ना होकर जो अब्सेंटी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास हो गया और वो तो जमीन कभी देखने नहीं आते थे, वो ना कभी विजिट करने आते थे और उनका जो इंटरेस्ट है वो लैंड पर था ही नहीं, उनको तो मतलब था कि जो उनको जो फिक्स जो अमाउंट्स में जो टैक्स जो मिलना चाहिए वो उनको एक बार में ही मिल जाना चाहिए। सो ये जो बढ़ते जा रहा था जो एब्सेंटी जो लैंडलॉर्ड्स का जो सिस्टम है वो। देन नेक्स्ट जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस फार्मिंग जो है अब यहाँ पर फूड जो क्रॉप्स है फूडर जो क्रॉप्स है वो ज़्यादातर ना ग्रो करके जो कैश जो क्रॉप्स है वो हुआ जनरल कमर्शियलाइजेशन हो गया मींस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो कल्टिवेशंस है वहाँ पर जो कल्टिवेटर्स को क्या कैश क्रॉप ग्रो करने पर जो फोकस किया जाने लगा जो प्रोवाइड क्या कर सके द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा सके जिसमें हमने देखा था कि कॉटन है आपका आपके जो पपीज है वो कहीं ना कहीं उसको ग्रो किया जाने लगा जिससे क्या हो सके जो फूड जो शॉर्टेज हुआ करते थे उसको दूर किया जा सके है ना। सो जो कैश जो क्रॉप्स की जगह पर आपका जो सॉरी आपका जो फूड या फिर जो फूडर क्रॉप्स है उसकी जगह पर अब जो कैश जो क्रॉप्स है वो ग्रो किया जाने लगा था। सो अब जो नेक्स्ट जो नेग्लेक्टेड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड जो सुधार है लैंड जो रिफॉर्म्स है उस पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड टू इंश्योर अ स्टेडी रेवेन्यू मीन्स हमने अब्सेंटी जो लैंडलॉर्ड देखा या फिर जो जमींदार जो सिस्टम्स हमने देखा उसमें क्या हुआ था कि जो लैंड जो रिफॉर्म्स है वो ध्यान नहीं देते, नेग्लेक्ट किया जाने लगा क्योंकि उनको लैंड से मतलब नहीं था, उनको कैसे मतलब था अपने जो रेवेन्यू है उससे। सो इट वॉज बिलीव दैट ओनरशिप वुड मोटिवेट द फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर लैंड टू इंक्रीज आउटपुट। हाउ द लैंडलॉर्ड्स वेयर आइदर अब्सेंटी लैंडलॉर्ड विथ लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड और दे वेयर टू पुअर टू कैरी आउट रिफॉर्म्स मीन्स जो फार्मर्स हैं आप खेती कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि जो मैं जो है अपने जमीन को कैसे बेहतर करूं ताकि मेरे को बेहतर प्रोडक्शन
मिल सके। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेटा कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, वो तो बाहर से आए हुए, उनको लैंड से मतलब नहीं है, उनको अपना जो रेवेन्यू अपने टैक्स से मतलब है। सो इसलिए जो लैंड जो रिफॉर्म्स है, जमीन सुधार है, उस पर वो कोई ध्यान नहीं देते थे। देन ये सभी क्या होने लगा, तो द पॉवर्टी ऑफ द पेशेंट्स, द हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, द ग्रोथ ऑफ इंटरमीडियरीज एंड द एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स जो गरीबी जो किसानों की बढ़ती जा रही थी, जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत हाई था, बीच में जो लैंडलॉर्ड्स या फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है वो बढ़ते जा रहे थे, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड जो कैश जो क्रॉप्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। सो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिक्लाइन होने लगा था, और जिसके कारण से फेमिनास है, जो अकाल भुखमरी है, वो कॉमन हो गई थी 1858 से लेकर जो इंड ऑफ जो 20th सेंचुरी है वहाँ तक। आप जो देखा जाए तो बेसिकली ये जो फेमिनास है वो कॉमन सी बात हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश के द्वारा जो इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर पर कोई भी फोकस नहीं किया गया, साथ ही साथ कोई जो फार्मर के इंप्रूवमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि जो पेशेंट जो रिवॉल्ट, यानी जो किसानों का जो डिफरेंट जो क्या हुआ, आंदोलन हुआ, क्यों, क्योंकि जो एक्सट्रीम जो पॉवर्टी थी और उनको हाई जो रेवेन्यू जो पे करना होता था, तो जो आपका जो बिहार वाला एरियाज है, आपके बंगाल जो रीजन्स है, मोफल केरला है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो कंटिन्यू 20 ईयर्स के बीच में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिवोल्ट्स है वो देखने को मिले। यहाँ पर जो रिवोल्ट्स केस स्टडी में आपको बताया गया कि जो इंडिगो जो रिवोल्ट्स हुआ आपका बंगाल और बिहार में, सो उसके बारे में। सो थ्रू आउट हिस्ट्री की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लॉथ डाई वाज द ब्लू डाई प्रोड्यूस फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। मीन्स जो ब्लू कलर जो यूज़ किया जाता था कपड़े को कलर करने के, डाई करने के लिए, सो उस वो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ मिलता था, तो वो जो है मिलता था किससे, इंडिगो से। अब ये जो इंडियन जो इंडिगो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था, और यूरोपियन कंट्रीज में इनका जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा था। अब जो डिमांड्स है रॉ मटेरियल्स है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए ब्रिटिश जो है पेशेंट्स है उनको फोर्स करते थे कि वो जो है ग्रो करे किसको, इंडिगो को, इन द प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स, जहाँ पर पहले व्हीट या फिर राइस है उसका प्रोडक्शन होता था, अब वहाँ पर जो पेशेंट्स किसान हैं उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो जो है इंडिगो को ग्रो करे। सो द इंडियन जो पेशेंट थे आपके बंगाल वाले जो रीजन और बिहार वाले जो रीजन्स हैं वो रिफ्यूज करने लगे कि हम जो है फूड ग्रेन की जगह पर इंडिगो का प्रोडक्शंस नहीं करेंगे, और यहीं से ही ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन है वो स्टार्ट हो गया। सो फार्मर जो इंडिगो ग्रो करते थे वो भी रिबेलियंस में आ गए, क्योंकि उनके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होने लगा, उनका शोषण होने लगा था। सो 1866 और 1868 में जो चंपारण और जो दरभंगा है आपका बिहार वाले जो रीजन्स है वहाँ पर मासिव जो अपराइजिंग है ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो इंडिगो जो प्लांटर्स है वो देखने को मिले। जो विद्रोही थे, जो राइटर्स थे, वो जो फैक्ट्रीज है, हाउसेज है ब्रिटिश के प्लांटर्स के, उनके घरों पर विद्रोह करने लगे। महात्मा गांधी वो भी उसी समय आए, फॉट एंड वोन सम रेस्पाइट फॉर द इंडिगो फार्मर्स इन 1918 में। महात्मा गांधी के द्वारा भी चंपारण और जो दरभंगा वाले जो रीजन्स है वहाँ पर भी 1918 में उनके साथ मिलकर विद्रोह किया गया था, जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी। देन जो रिवोल्ट्स हम बात करें इंडिगो प्लांटर्स से, जहाँ पर आपका जस्ट एक वन पार्ट का हमने एग्जाम्पल लिया, इंडियन के जो अदर और कंट्री साइड है वहाँ पर आपको बिटवीन 1757 टू 1857 में डिफरेंट जो रिवोल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सो हाउएवर नन ऑफ देम पोज एनी ग्रेट थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल, एंड द ब्रिटिश कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट इंडिया इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल अंटिल वन डे द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 ब्रोक आउट सैकिंग देम आउट ऑफ देयर स्लैम्बर। सो यहाँ पर हुआ कि जो ये जो डिफरेंट जो रिवोल्ट्स है वो कंटिन्यू 1857 से 1857 के बीच होते रहे, बट ये जो रिवोल्ट्स था ऐसा था कि जो ब्रिटिश जो माइटी जो पावर्स थे
उनके पास ये जो पेशेंट्स किसान थे, जो गरीब मजदूर वर्ग थे, उनका जो रिवोल्ट है वो उतना मायने नहीं रखता था और उनको कुछ समय बाद ही शांत करवा दिया जाता था। बट धीरे धीरे ये जो विद्रोह है आगे बढ़ते गए और फाइनली हमने 1857 का जो रिवोल्ट है, आगे हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि इसके बाद जो है मासिव जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है और इंडिया जो है फ्रीडम स्ट्रगल की ओर आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका जो एक रिवोल्ट था, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि दीन बंधु जो थे आपके मित्र रोट हिज फेमस नॉवेल नील दर्पण टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। मीन्स जो दीन बंधु मित्र थे उनके द्वारा जो नॉवेल जो लिखा नील दर्पण, तो ये जो इमेज है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे गए कि इंडिगो प्लांटर के साथ किस किस तरीके से शोषण किया जाता था, उनको कोड़ों से पीटा जाता था, उनसे किस तरीके से वर्क लिया जाता था, इससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या फिर कोई मूवीज है, सीरियल्स है, एनिमेटेड जो वीडियोज है वहां पर भी इससे रिलेटेड सोशल मीडिया में आप बहुत सारे वीडियोज हैं आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट जो हम देखते हैं केस स्टडी, जो पंजाब वाले जो एरियाज है वहां पर जो विद्रोह हुआ था हम उसकी बात करें। सो पंजाब वॉज वन प्रोविंस दैट एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। पंजाब वाला जो रीजन है उनको प्रॉफिट हुआ ब्रिटिश का, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो केनाल जो बिल्ड किया गया था। पंजाब इज क्लाइमेटिकली की हम बात करें तो पंजाब इज अ ड्राई रीजन एंड एनी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हियर रिक्वायर इरिगेशन। मीन्स पंजाब वाले जो रीजन है वहां पर अगर एग्रीकल्चर करना है तो वहां पर एग्रीकल्चर बहुत के लिए इरिगेशन मोस्ट नीडेड था, क्योंकि ड्राई रीजन था वहां पर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया कि सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ केनाल वेयर बिल्ड बाय द ब्रिटिश क्रिस क्रॉसिंग्स द लैंड्स। मीन्स जो डिफरेंट जो केनाल्स है वो एक दूसरे को कट करते हुए बिल्ड किया गया, ताकि जो है क्या किया जा सके, ये जो फील्ड एरियाज है वहां पर जो इरिगेशन है, आर्टिफिशियल इरिगेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके और जो ड्राई रीजन है वहां पर मासिव स्केल में एग्रीकल्चर होने लगा। सो दिस कैन ऑल ट्रांसफॉर प्रीवियसली बंजर अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू प्राइम एग्रीकल्चर लैंड। ये जो लैंड एरियाज थे पहले क्या थे, अनकल्टिवेटेड थे, बट आपका जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने से ये जो प्राइम एग्रीकल्चर के रूप में डेवलप हुए और यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनीज के रूप में क्या होने लगे, अलॉन्ग दिस कैनॉल्स ब्रिटिश कॉलोनीज कैम अप। मीन्स कैनॉल के किनारे किनारे ही डिफरेंट जो ब्रिटिश के जो बिल्डिंग्स हैं, कॉलोनीज है, कॉलोनीज के बारे में आपने ऑलरेडी जो है प्रीवियस जो क्लासेज है वहाँ पर आपने स्टडी किया है। सो अब यहाँ पर ये वीट कॉटन शुगर कैन वेयर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। मीन्स अब इस एरिया पर आपके जो वीट कॉटन शुगर कैन, जनरली ये कॉटन और शुगर कैन को हम कैश क्रॉप्स के रूप में जानते हैं, सो वो ग्रो होने लगे और जो द ब्रिटिश बिल्ड दिस कैनाल माइनली टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द यूरोपियन मार्केट हाउ वेयर पंजाब प्रोस्पेयर्ड। मीन्स यहाँ पर जनरली क्या हुआ, तो ये जो कैनाल है ब्रिटिश क्यों बिल्ड किए थे, सो उनको चाहिए था कि ये जो एरिया था आपका पंजाब वाला एरिया, बेसिकली क्या था कि वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, वो जो एरिया उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ये जो हम पंजाब वाले एरियाज की बात करें, ये एरियाज आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये क्या होता बेटा कि जो ये जो एरिया था पहले की, ये पंजाब वाला हम एरिया की बात करते तो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पंजाब का, तो उसको क्या किया कि वो कैनाल बिल्ड कर दिए तो उससे प्रॉफिट उनको होने लगा और ज़्यादातर प्रॉफिट के लिए ब्रिटिश वर्क करते थे। सो ये तो हुआ बेटा आपका जो जो केस स्टडी पंजाब के बारे में हमने देखा। तो ये जो कंप्लीट आपका जो सोल्यूशन, आपका जो डिस्कशन था किससे, ये जो चैप्टर आपका 4 था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपको जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इससे रिलेटेड जो एडिशनल जो वीडियोज हैं मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली तरीके से आप अपना जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही बेटा, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।